हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उन सभी बच्चों के लिए अपडेट है जिन्होंने यूपी सीनेट के लिए काउंसलिंग करवाई थी, और अभी जो इनके लिए अपडेट ये है कि जो एबीवीएमयू ने जो सीट अलॉटमेंट है पहले राउंड की, उसको रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सिंपली इसके वेबसाइट पे अपने जो भी डिटेल्स है उसको लॉगिन करके आप देख सकते हो कि मतलब आपको सीट जो है कहाँ पे अलॉट हुई है, कौन सा आपको कॉलेज मिला है। तो पूरी जो डिटेल है अभी तो फिलहाल आपको बस इतना पता चलेगा कि आपकी जो सीट अलॉट हुई है कहाँ पर, बाकी जो अलॉटमेंट लेटर है वो आई होप कि आपको कल तक जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो आपके लिए मतलब एक गुड न्यूज़ है, आप जितने बच्चे मतलब वेट कर रहे थे सुबह से ही कि रिजल्ट कब आएगा, तो उनके लिए अपडेट है कि जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुकी है। एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ये आपको मतलब अपना रिज़ल्ट देखना है काउंसलिंग का, कुछ देखना कैसे है। सिंपली सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है एबीवीएमयू। ठीक है, तो जैसे ही आप एबीवीएमयू को टाइप करोगे उससे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने वाला है। यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखने वाला है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे चले जाना है। ठीक है, ऐसे वेबसाइट में जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो पहला यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर में, उसमें आपको लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपली जो पहली लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। सिंपली आपको इसके बाद फिर यहाँ पे न्यू करके आप देख सकते हो रेड कलर में हाईलाइट हुआ है कि सीनियर 2023 बीएससी नर्सिंग कोर्स फोर्थ ईयर राउंड वन काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट इज नाउ लाइव। ठीक है, तो जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो लाइव आ चुका है एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपली आप यहाँ पे जाके आपकी जो भी डिटेल्स है आप इसको लॉगिन करके आप अपना जो भी अलॉटेड जो कॉलेज है आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको मतलब अपनी डिटेल्स फिल करने को बोलेगा, तो आप अपनी जो भी डिटेल्स फिल करोगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा है काउंसलिंग राउंड वन, उसके बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसके बाद नीचे लिखा है कि काउंसलिंग राउंड वन अलॉटेड सीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है अलॉटेड सीट। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कुछ आपको ऐसा यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो कॉलेज है आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ नीचे डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि आपने मतलब जो भी फीस सबमिट किया था उन सबका यहाँ पर डिटेल्स है। ठीक है, आप ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते आओगे तो आपको डिटेल जो है काफ़ी सब कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, काउंसलिंग चॉइस स्टेटस क्या है, एक्शन क्या है, ठीक है, फीस सिक्योरिटी मनी, तो जो पूरी डिटेल है काउंसलिंग की यहाँ पे अलॉटमेंट की वो यहाँ पे ऐसे आपको सिंपली दिख जाएगी। तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा कि आपको जो मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, आप लिखा है रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी सिंपली यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो आपको जो कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ठीक है आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके अपना जो भी मतलब आप है अलॉटेड कॉलेज उसको देख के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, जिनको जो जो कॉलेज अलॉट हुआ है सब लोग अपना कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो देखने के थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।